कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। इस बार गंगा जल लेने आ रहे कांवड़ियों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। शुरुआती दौर में ही लाखों की संख्या में कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर प्रशासन कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहता, इसलिए नारसन बॉर्डर से लेकर हरिद्वार तक स्थानीय पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल और पीएसी बल की तैनाती कर दी गई है। साथ ही पुलिस ने नेशनल हाईवे और कस्बे में ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी रख रही है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। को चिन्हित किया गया है और इसमें डिटेल में एक्सरसाइज की गई है कि कौन से पॉइंट पे पहले रश रहता था, और प्लस अब हाईवे बन गया है तो उसी हिसाब से जो है पॉइंट्स को रिवाइज़ किया गया है और फोर्स की डिमांड की गई है और अकॉर्डिंगली फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। इसी के साथ आज जो है कस्बा मंगलौर में संवेदनशील इलाकों में प्लस कस्बे की निगरानी रखने के लिए ड्रोन की व्यवस्था भी की गई है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है, छतों पर भी निगरानी रखी जा रही है, कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं है। साथ ही यातायात व्यवस्था और कावड़ियों की संख्या